अस्सलाम वालेकुम। मैं अभी सीहोर में उमर भाई के साथ। उमर भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। उमर भाई खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह भाई। भाई सीहोर में किस जगह में अपन? भाई अपन है थुनाकोट चांदबाड़ी। अच्छा, भोपाल से कितने किलोमीटर है ये? 40-42 किलोमीटर। 40-42 किलोमीटर। इस वीडियो में क्या दिखा रहा है भाई? भाई अपन सोजत का माल दिखा रहा हूँ। कोटा है दो जी, और एक ये है गुजरी में। गुजरी कितने टाइम से शौक कर रहा हो बकरों का? भाई 2 साल हो गए। 2 साल हो गए जी। माशाल्लाह वीडियो फर्स्ट टाइम आ रहा है आप? जी जी भाई, आपके मेरे चैनल फर्स्ट टाइम आ रहा है। देखते हैं इसी से जो आपके हाथ में ये कौन सी फसल है भाई? ये सोजत में है। सोजत में जी। माशाल्लाह फर क्वालिटी बहुत शानदार है। देखिए भाई लटक मटक आप फर क्वालिटी। जी जी, अभी क्या वॉश नहीं करा क्या आपने? हाँ भाई, नहलाई नहीं है। पानी का मौसम हो रहा था डेली, तो फिर नहलाई नहीं। इसकी क्या डिटेल्स है भाई? ये 4 दांत लगा रहा है। 35-36 हाइट पे है। 35-36 हाइट है जी। और 50-52 किलो पे। 50-52 किलो जी। इसका प्राइस क्या है? इसका अपन मांग रहा भाई 25,000 रुपये। 25,000 रुपये। माशाल्लाह नेगोशिएबल होगा इसमें? बिल्कुल भाई, इसमें होगा ना, मान सम्मान रख लेंगे बिल्कुल आपके। माशाल्लाह चेहरा गोल चेहरे का बच्चा। देखिए भाई जी। जी भाई गुलाबी, गुलाबी में है भाई जी। जी जी, अब वॉश होगा तो हर कितना ही लगेगा? हाँ भाई, क्वालिटी बहुत शानदार है। जिस दिन सही होगा उस दिन कोई भाई आता है तो अपन दे देंगे नहला के। कितने टाइम से आपके पास ये बकरा? भाई अपने पास है 7 महीने का बच्चा लिया था अपन ने। 7 महीने का लिया था। माशाल्लाह ऐसे चरते ऐसे घूमते रहते बकरे? जी जी भाई, चरते रहते। माशाल्लाह ठीक है, अपन वीडियो का दूसरा बकरा देख लेते हैं। ब्राउन कलर में है ये, ब्राउन व्हाइट के अंदर। ये कौन सा है भाई? भाई ये गुजरी में। ये गुजरी में जी। हाँ भाई, लग ही रहा था गुजरी। वो गुजरी पैटर्न है माशाल्लाह। ये भी लाल चमड़ी में ना? जी जी भाई, लाल चमड़ी में। इसकी क्या डिटेल्स है? कितने दांत पे आएगी उम्र भाई? ये 2 दांत लगाए इसने अभी। 2 दांत लगाए जी। हाइट क्या होगी इसकी? इसकी होगी भाई 34-35 हाइट। 34-35 हाइट है बकरे की। माशाल्लाह, वजन क्या इसका? इसका वजन है भाई 40-45 किलो का होगा। 40-45 किलो जी। इसका प्राइस? इसका प्राइस मांगना है भाई अपन 19,000 रुपये। 19,000 रुपये जी। नेगोशिएबल होगा इसमें? बिल्कुल भाई होगा। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत बकरा है ये। ठीक है, वीडियो का तीसरा बकरा देख लेते हैं। ये कोटा है? ये 2 कोटा है भाई। ये जोड़ है भाई? हाँ भाई, जोड़ के हैं। माशाल्लाह कानों की लेंथ काफी अच्छी दिख रही है। देखिए भाई कानों की लेंथ, देखिए कलर पैटर्न। खोल के दिखाइए कान इनके। ये देखिए माशाल्लाह, कितनी होगी मेरा भाई ये कान होगी? हाँ आराम से होगी भाई। ये क्या डिटेल्स पे? ये भाई इसने 2 दांत लगाए अभी। 2 दांत लगाए इन्हें अभी। 34-35 हाइट होगी भाई। 34-35 हाइट है जी। वजन क्या? 40-42 किलो के। 40-42 किलो का। माशाल्लाह कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा। 3 कलर में ये जी भाई? 3 कलर ब्लैक जी। इसका प्राइस क्या उमर भाई? भाई इसके 20,000 रुपये मांग रहे हैं। इसके 20,000 रुपये मांग रहे हैं आप? नेगोशिएबल होगा इसमें? बिल्कुल भाई होगा ना। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। ठीक है, अपन चौथा बकरा देख लेते हैं वीडियो का। माशाल्लाह बहुत अल्टी कलर में भाई ये भी 3 कलर में आई भाई। ये भी 3 कलर में, ब्लैक ब्राउन पट्टा है। जी जी जी, ब्राउन, ये जो लाइट ब्राउन है जी भाई, बहुत खूबसूरत लगता है भाई जी। इसकी कानों की लेंथ भी काफी अच्छी दिख रही है। हाँ भाई, इसकी भी अच्छी यही होगी 12-13 इंच जी। इसकी भी होगी, ये लाल चमड़ी में ना? हाँ भाई। माशाल्लाह इसकी हाइट क्या उम्र भाई? भाई इसकी होगी 33-34 हाइट। 33-34 इंच हाइट है। वजन क्या होगा इसका? होगा भाई 35-40 किलो। 35-40 किलो। 2 दांत है? हाँ भाई, 2 दांत फ्रेश लगा ही रहा है। फ्रेश लगा ही रहा जी। ये माल कब से आपके पास? ये भी टाइम होगा या भाई? इसको भी टाइम 4-5 महीने होगा। इसको 5 महीने होगा। माशाल्लाह क्वालिटी वगैरह बहुत शानदार है बकरे की। छोटे चेहरे का, गोल चेहरे का जी भाई। माशाल्लाह इसका प्राइस क्या है? इसके भी भाई अपन 18,000 रुपये मांग रहे हैं। इसके 18,000 रुपये मांग रहे हैं आप? नेगोशिएबल होगा इसमें? बिल्कुल भाई हो जाएगा, सभी मान सम्मान रख लेंगे आप। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। ये है सोजत में भाई। ये सोजत में जी। इसने 2 दांत लगाए अभी हल। इसने अभी 2 दांत लगाए जी। 2 लगाए हैं भाई जी जी। और इसकी ये क्या बोलते हैं, 36 हाइट। 36 इंच हाइट है बकरे की। कोई भाई अगर खस्सी करा के भी पलटी के लिए लेना चाहे तो रख सकता है इसको जी जी। अच्छा, ये सब घूमते ही है खुले? हाँ भाई, कान पकड़वाने में नाटक कर रहा हूँ, चक रहा हूँ कान पकड़ने में। जी जी, 2 दांत है। हाइट क्या बोली आपने इसकी? इसकी 36 हाइट बोली। 36 इंच हाइट है। वजन क्या होगा इसका? इसका वजन होगा भाई 40-45 किलो। 40-45 किलो। माशाल्लाह, इसका क्या प्राइस है? इसका 21,000 रुपये मांग रहा है। इसका 21,000 रुपये मांग रहा है आप? नेगोशिएबल होगा इसमें भी? हो जाएगा भाई। कलर कॉम्बिनेशन बहुत प्यारा है इसका भाई। जी भाई, 2 कलर में आया है। देखिए आप थोड़ा छोड़ दीजिए इसको, ध्यान दीजिए। आपके पूरे जानवर घूम रहा है भाई। जी भाई वो घूम रहा है। माशाल्लाह दिखाते हैं थोड़ा। माशाल्लाह ठीक है, वीडियो का लास्ट बकरा है जी भाई। मुंडा ये भी? ये मुंडे में है। हाइटेड दिख रहा बकरा ये है भाई? 37-38 हाइट पे। 37-38 इंच हाइट। और भाई 2 दांत पे है। और माशाल्लाह 2 दांत पे 38 इंच हाइट, काफी अच्छा बकरा जी। और होगा भाई 50-60 किलो का बकरा। 50-60 किलो का? हाँ भाई, इनका होना चाहिए बकरा। गुलाबी नहीं है? हाँ भाई गुलाबी में है। माशाल्लाह गुलाबी है बकरा, थोड़ा नहाए हुए नहीं है हमारे घर। नहाए नहीं है भाई। और देखिए आप झालर वगैरह माशाल्लाह, ये भी कोई भाई रोकना चाहे तो 1 साल और रोक सकते। जी जी, पलटी के हिसाब से अच्छा बकरा है जी भाई।
चक्कर क्या ना, पलटी बहुत से लोग सींग वाले करते हैं। हाँ भाई, मुंडे तो क्या चलते हैं, जैसे कि आपने पाल रखे छोड़ रखे हैं। हाँ भाई ये तो है, माशाल्लाह लेंथ वगैरह काफी अच्छी है इसकी। हाँ भाई, वो क्या ऊपर नीचे जगह में खड़ा है ना भाई, इसलिए वो दिख नहीं पा रहा, लेकिन सोयाबीन के खेत में खड़े भाई, ये चढ़ते रहते हैं, सोयाबीन ही है। अच्छा, यहीं पे खाते रहते हैं। किसी भाई को रोड का वीडियो चाहिए रहेगा, चलते हैं दे देंगे ना अपन। बिल्कुल माशाल्लाह, कितने दांत पे है ये? ये दो दांत पे है भाई। दो दांत पे, हाइट क्या बोली आपने इसकी? इसकी अपन ने 37-38 हाइट, 37-38 हाइट है। वो वजन आपने बोला 55-60 किलो? जी 55-60। इसका प्राइस क्या है उमर भाई? इसके 25,000 रुपए। इसके 25,000 रुपए, इसमें नेगोशियल होगा? बिल्कुल भाई हो जाएगा ना। बहुत अच्छा बक रहा है, नहाएगा तो और अच्छा दिखेगा। बिल्कुल भाई, अपन नहला के भी वीडियो दे देंगे अगर कोई भाई लेगा। छोड़ दीजिए इसको, माशाल्लाह एग्रेसिव भी है, भी कर रहा हूँ अगर उनके साथियों के साथ जाने का कर रहा हूँ। जी ठीक है उमर भाई, जी जी पकड़ा देख लेते हैं। जैसे कभी मैंने लास्ट बोल दिया, इसको एक बार और बचा आपका। जी भाई उसको देख लेते हैं अपन। ये फैसल भाई लेके खड़ूंगा हमारे, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है, ब्राउन वाइट मालवा है ना? जी भाई मालवा, बहुत चौड़ी पेटी का भाई। जी बड़े सिक्के हैं भाई, देखिए। जी जी गुलाब भी है, ये भी नहाया हुआ नहीं तो जी जी दिखता है ये भी। क्या डिटेल्स पे, कितने दांत पे ये भाई? ये चार दांत लगा रहा है, चार दांत लगा रहा है। ये 35-36 हाइट है, 35-36 इंच हाइट है। वजन क्या होगा फैसल? इसका होगा भाई वजन 50-52 किलो। 50-52 किलो, माशाल्लाह। ये भी सब सेम टाइम से ही आपके पास? जी भाई सेम टाइम के ही हैं सब बच्चे। इसका प्राइस क्या भाई? इसके मांगना अपन 23,000 रुपये। इसके 23,000 रुपये मांग रहे हैं आप, नेगोशियल होगा इसमें? हो जाएगा बिल्कुल भाई, माशाल्लाह। ट्रांसपोर्ट कैसे करेंगे आप भाई? ट्रांसपोर्ट जैसे भाई बोलेंगे, ट्रेन से, गाड़ी से बोलेंगे, गाड़ी से नहीं, मतलब यहाँ से भोपाल ले जाएंगे, यहाँ से भी गाड़ी में? नहीं नहीं भोपाल ले जाएंगे, भोपाल से करवा देंगे, भोपाल से करवा देंगे, माशाल्लाह। उमर भाई बकरों को आप क्या क्या खिलाते हो भाई? ये तो फैसल भाई बताएंगे अपने। अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई। वालेकुम सलाम भाई, कैसा चल रहा है भाई? भाई अल्लाह का शुक्र, आरिश भाई। भाई जैसे आपने सवाल किया कि बकरों को हम क्या क्या खिलाते हैं, जी भाई हम बकरों को क्या नहीं खिलाते। अच्छा। मतलब रियलिटी बता रहा हूँ मैं आपको कि एक फसल होती है सोयाबीन की, जो बारिश में होती है, बारिश में होती है। पर अपन अभी ये आज कौन सा दिन है? 22 मई। हर गर्मी में अपन खड़े हैं, भाई आइए आप देखिए जरा, ये सोयाबीन के खेत में खड़े हैं हम लोग भाई। गर्मी का सोयाबीन पैदा करते हैं। अच्छा, गर्मी गेहूं सोयाबीन कट गया जी। अब जितना दाना पड़ा है, जितनी फली पड़ी है, ये जानवर आपके सामने पूरा जानवर देखिए आप, सोयाबीन के खेतों में चल रहा है। सोयाबीन तो खा ही रहा है निरखा जी जी, बिल्कुल दाना सहित। बहुत मतलब जो बहुत ज्यादा इसमें मतलब सोया कितना प्रोटीन होता है जी जी जी, तो इसको एक्स्ट्रा दाना खिलाने की हमें नीड ही नहीं पड़ती, हमारा जानवर वैसे ही रहता है। जी हाँ, बाकी हम दाने में चना खिलाते हैं, मक्का गेहूं मिक्स करके, उसमें बहुत सी चीजें हम मिक्स कर लेते हैं। अच्छा, उसमें कुछ चीज हमारी एक मसाला पाउडर होता है जो डाइजेशन के लिए होता है, वो हम खुद ही तैयार करते हैं घर पे, चीजें ऐड करके घर के मसाले से, ताकि इनका हाजमा वाजिब रहे। अब ये देखिए आप, ये बकरे चल रहे हैं, ये सोयाबीन खड़ा हुआ है, हरा सोयाबीन में चल रहा है। चल चलते बात करते हैं, ये हरे सोयाबीन में चल रहा है। अच्छा जी, और उसके बाद इधर से अगर कवर करेंगे पीछे, पूरा तालाब है यहाँ, चीजें जड़ी बूटियां मतलब ये घास के साथ जो उगती सब खाता है जानवर। अच्छा, अच्छा। कुछ भी ऐसी चीज नहीं है जो नहीं, स्पेशली अब जाएगा फार्म पे बंधेगा, हाँ इनको दाना डलेगा। अच्छा। सारी चीज मतलब बिल्कुल टोटल सेल्फ फीडिंग पे है, वो प्योर है, कोई लिमिट नहीं कि इतना देना है या उतना, वो अपनी मर्जी से खाना है। और सेल्फ डाइजेशन, कोई अलग से कुछ भी नहीं दिया जाता। अच्छा। जैसे नॉर्मल हिमालय बच्ची सा है, वो पानी में डाल दिया और भाई जैसे अगर अपन को मसाला देना जो हम बनाते हैं जी जी, तो 15 डेज विद इन मतलब ट्वाइस अ मंथ, महीने में दो बार हम देते हैं उनको दे देते हैं, तो इनका डाइजेशन खुद रहता है। ये देखिए मक्का खड़ी है जी। और आप देख रहे होंगे जानवर डायरेक्ट चढ़ रहे हैं खड़ी मक्का में। हाँ भाई डायरेक्ट जी भाई, तो पत्ती हर तरह से जानवर बिल्कुल तैयार है जी जी। और किसी भी तरह का कुछ भी इनमें प्रॉब्लम नहीं है, फुली वैक्सीनेटेड है, हर तरह से बिल्कुल हट्टा कट्टा जानवर है। व्यू भी बहुत प्यारा है भाई, आपके पानी की भी कमी नहीं है, अल्लाह का तालाब भाई, ये सब अल्लाह की देन है जी। क्या अपन तो कुछ भी नहीं है, अल्लाह ने अपन को हर चीज से नवाज रखा है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र, अल्लाह का लाख लाख शुक्र। और भाई बाकी चीज देखिए, जो भी चीज है आपके सामने, सही बात है, आगे चलते ना। जी हाँ सामने खा रहा हो? हाँ बिल्कुल भाई, हम नहीं रोकते, खुले चढ़ते हैं जानवर। अच्छा ऐसे चढ़ते हैं डेली? हाँ, बिल्कुल, ये आपके सामने सोयाबीन खा रहा है जी। अभी ये देखा था आपने फर्स्ट वीडियो में, ये ये करीब से दिखाई यार, क्या है क्या, लोगों को क्या एक चीज का यकीन नहीं होता कि यार बारिश में पैदा होने वाली फसल आप गर्मी में कैसे खिला रहे हैं, ये सोयाबीन खड़ा हुआ ये देखिए जी जी।
और ऐसा भी नहीं है, क्या होता है कई बार बांझ हो जाता है जी जी, तो वो फली नहीं होती, पत्ती पत्ती होती। अब इसमें देखो आप कितना फल है माशाल्लाह। हाँ भाई, तो भाई ये क्या है कि देखिए आपके सामने ऐसे ही चरते हैं, ऐसे ही चरते हैं खुले बिल्कुल माशाल्लाह। जैसे कि फैसल पे कोई पलाई पे जानवर देता है आपको जी, तो आप रख लेंगे? भाई बिल्कुल रख लेंगे, पलाई का भी सेटअप है अपना जी जी। और क्या बोलते हैं, सबसे बड़ी बात जो हमारा फार्म है जी, वो पूरा सीसीटीवी कवर है। अच्छा, जो भाई भी अपने बकरे पलाई पे देंगे तो अपन उनको उनका एक्सेस दे देंगे, जब चाहे वो अपना एक्सेस ले सकते हैं। भोपाल के दे रहे हैं या कहीं भी नियर बाय लोकेशन का कोई भी भाई देगा अपना, तो ज्यादा दूर भी नहीं है, एनी टाइम कभी भी आके विजिट कर लें जी, अपने जानवर को देख लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं जी। फैसले पलाई का चार्ज क्या लेते हैं भाई? नॉर्मली पलाई का चार्ज चल रहा है 3,500 ठीक है जी। भाई हम 2,500 इससे ज्यादा नहीं लेते जी। हाँ माशाल्लाह, और इसमें सहूलियत भी, बकरे घूमते भी हैं, बकरे घूमते हैं भाई, जानवर का चलना फिरना बहुत जरूरी है जी भाई। जितना चलेगा उतना ज्यादा जिस्म की नसें खिंचती, वो मतलब एक्टिव होता है जानवर, और जितना स्ट्रेचिंग होती है तो और लंबाई चौड़ाई गेन करता है माशाल्लाह। इससे पहले फैसले आपने पलाई पे रखे बकरे? हाँ भाई रखे ना, रखे जी हाँ रखे। अभी इसमें कुछ पलाई का है नहीं है? नहीं भाई, ये सिर्फ पूरा माल अपना ही है, सेल्फ फीडिंग का माल है जी। हाँ, आपके फार्म पे है पलाई के बकरे अभी? नहीं भाई नहीं है, अभी नहीं है, पर बकरे थे अभी एक महीने पहले ही मैंने छुड़वा दिए जी। ठीक है उमर भाई, आपके बकरे देख लिए जी जी भाई। जिस किसी भाई को भी इंटरेस्ट होगा जी भाई, वो जरूर आपको कॉल करेगा, आपका नंबर स्क्रीन पे। ठीक है फैसल भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, अल्लाह हाफिज़ भाई, अल्लाह हाफिज़।